हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और हम आप तक रोज नई नई खबरें पहुंचा सके। दोस्तों, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी रोका सेरेमनी अचानक हो गई थी, लेकिन इससे पहले वे रोका के बारे में नहीं जानती थी। ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक से 3 साल बड़ी है, लेकिन आप शायद ही जानते होगी कि अभिषेक ने अपने से 3 साल बड़ी ऐश्वर्या से शादी क्यों की। सबसे बड़ी बात यह है, अभिषेक ने ऐश्वर्या की खूबसूरती देखकर उनसे शादी नहीं की। तो फिर क्या ऐसी वजह थी कि अभिषेक ने अपने से बड़ी ऐश्वर्या से शादी की? अभिषेक ने खुद ही एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। अभिषेक ने बताया था कि वह अपने से 3 साल बड़ी ऐश्वर्या से शादी करने की वजह उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि कुछ और है। अभिषेक बताते हैं कि उन्होंने ऐश्वर्या से सिर्फ इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वह बॉलीवुड की सफलतम एक्ट्रेस है या वे मिस वर्ल्ड रह चुकी है, बल्कि ऐश्वर्या से शादी करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वे एक लाजवाब इंसान है। अभिषेक कहते हैं कि उन्होंने उस ऐश्वर्या से शादी की है जो रात में बिना मेकअप के रहती है। गौरतलब है कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी साल 2007 में हुई थी। ऐश्वर्या से पहले अभिषेक की सगाई करिश्मा कपूर के साथ हुई थी। सगाई के बाद करिश्मा ने बताया था कि अभिषेक ने उन्हें डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था। ऐसे में वे अभिषेक को ना भी नहीं कह पाई। करिश्मा ने ये भी बताया था कि उन्हें अभिषेक जैसा बेहतर इंसान और बच्चन परिवार जैसा अच्छा परिवार कभी नहीं मिल सकता है, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द इन दोनों की सगाई टूट गई थी। जब करिश्मा की चाची नीतू कपूर से सगाई टूटने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि दोनों की सगाई जया बच्चन की वजह से टूटी थी क्योंकि जया को करिश्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन एक इंटरव्यू में जया ने बताया था कि सगाई अभिषेक की वजह से ही टूटी थी। खबरों की माने तो करिश्मा शादी के बाद अभिषेक के साथ बच्चन परिवार से अलग रहना चाहती थी, लेकिन करिश्मा का ये फैसला अभिषेक को कतई मंजूर नहीं था। ऐसे में जब करिश्मा ने बात नहीं मानी तो अभिषेक को सगाई तोड़नी पड़ी थी।